Hi Sukkar, how are you? Hi, good evening everyone. This side Harsimran from IELTS Made Easy. So I know festive season is going on, so many students have not just come also. So but lekin 30 minutes to nikal lo guys. Ek in touch rehna bahut zaruri hai, okay? This side Harsimran from IELTS Made Easy and I am here to make your IELTS reading easy, okay? So in case you have any kind of problem with regard to any module, you can write in the comment section, guys. Good evening. Hi Vansh Kashyap. Hi Shupreet Korgil. Hi Simran Mali. Guys, agar aapka exam approach kar raha, write in the comment section. Also, agar aapko koi bhi module mein problem hai, I am here to provide you complete counseling with regard to IELTS. Okay? Yes. आई कैन ऑल्सो विटनेस दैट. मेरा भी ऐसे मन कर रहा है बाहर घूमने जाऊँ एंड ऑल. सो ये फेस्टिव सीज़न है तो इट्स लाइक फील ऑफ अक्टूबर. पहले तो शहरा था, अब करवा चौथ है. एवरी गर्ल इज़ लाइक गेटिंग डॉन देयर मेहंदी. ऑल्सो यू कैन सी द मार्केट्स आर ऑल डेक्ड अप एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. आई टोटली अडोर इट. So what about you guys? Do you really enjoy this festive season? Preferably, my favorite festival is also Diwali. I definitely give the classes for the speaking. If you want, you can join our speaking evaluation class. Ma'am, PT IELTS to easy hundi hai. Well, personally, I'm telling my one of the friends gave. She told me it's a bit tricky. PT ka exam hota bhi computer based hai. So it's like similar only, you need to practice for the same. Practice ke saath sab easy ho jata hai guys, so don't worry, okay? Ma'am, how can I improve my fluency in speaking? Well, best way to improve your speaking is stand in front of mirror. Roj apne aap se baat kara karo, theek hai? Else what you can see is YouTube pe. यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट मैम ने बनाई है स्पीकिंग के लिए. गो थ्रू दिस. एल्स क्या कर सकते हो, जैसे कोको मेलन एंड एनी अदर एनिमेशंस आजकल वीडियोस आ रही है ना किड्स के लिए, यू कैन रेफर टू दोज. इंग्लिश सॉन्ग्स सुनो, उनके पीछे पीछे बोलो, यू विल डेफिनेटली कैच देयर एक्सेंट. दिस इज समथिंग रियली हेल्पफुल, ओके? पर्सनली आई फॉलो दिस हैबिट. लाइक आई एम डूइंग नाउ फ्रेंच, सो व्हाट आई एम डूइंग इज डेली मैं कोई ना कोई वीडियो प्ले करती हूँ. जो जो वो बोलते जाता है, कीप ऑन पेन नोटिंग डाउन दोज थिंग्स. सो दिस इज़ हाउ यू लर्न. पी टी एग्जाम नाल कैनेडा का वीज़ा नहीं लगता? नहीं, पी टी इज़ फॉर ऑस्ट्रेलियन. हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग? वेल, मानसी आर्या, अगर आपको रीडिंग में स्कोर इम्प्रूव करना है, यू कैन जॉइन अर ऑनलाइन क्लास लेटेस्ट टेक्निक्स फॉर रीडिंग. एल्स क्या कर सकते हो, वॉट यू कैन डू इज़ डेली मेक श्योर रात को सोने से पहले यू रीड अ पैराग्राफ. उसमें जितने भी वर्ड्स हैं, यू आर लाइक गोइंग टू मेंटेन अ स्मॉल कॉपी फॉर द सेम. उसमें आप पेन डाउन करो अपनी सारी वोकैब. दिस इज़ हाउ यू इम्प्रूव. थैंक यू सो मच विलियम जैक. आई होप आई रिटेन माई पोजिशन फॉर एवर. ठीक है, मैम इंडिविजुअल क्लासेज अवेलेबल है? येस डेफिनेटली शिवानी वर्मा, आर इंडिविजुअल क्लासेज आर अवेलेबल. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली जॉइन आर ऑनलाइन क्लास, दैट्स अवेलेबल. ओके, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक पर्सनली ऑन फोन, तो ही इज़ अवेलेबल फ्रॉम 10 to 6. ही इज़ एन एजुकेशनल काउंसलर, ही कैन डेफिनेटली काउंसल यू एवरीथिंग. थैंक यू सो मच वंश. आई होप मेरे सेशंस आप तो रेगुलर यूज़ कर रहे हो. सो वॉट टेल एवरी वन, आपको क्या इम्प्रूवमेंट लग रही है? लाइक इतने सेशंस होने के बाद गाइज, लेट मी नो कि आपका आउटपुट कैसे इम्प्रूव हो रहा है. क्या आपको लगता है कि अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो? राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. मैम, आई हैव लॉट ऑफ बैकलॉग्स, मोर देन 15. कैन आई गो टू UK? वेल, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस थिंग. यू कैन डेफिनेटली हायर अ काउंसलर फॉर द सेम. कोई वीज़ा असिस्टेंट जो हो, ही कैन गाइड यू. ओके, योर टीचर मेथड इज. थैंक यू सो मच शुभप्रीत कौर गिल. भार्गव, हाउ आर यू मैम एंड योर क्लास? आई मिस इट, आई केम जस्ट फॉर वॉचिंग. दैट्स गुड, यू आर डन विद द एग्जाम गाइज. भार्गव, यू कैन गिव द रिव्यू अबाउट IELTS Made Easy, हाउ इट रियली चेंज वॉट यू वेन यू गेव योर एग्जाम. ओके मैम, टेम्पलेट लगाकर टास्क वन हो सकता है क्या?
पीयूष खन्ना, मैं टेम्पलेट्स में वैसे ही बिलीव नहीं करती, बट आई बिलीव एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट के माइंड में ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो कि आप वहाँ पर जाकर सोचो बहुत ज़्यादा। सो टेम्पलेट में अगर पूरी पूरी लाइन होती है, आई डोंट प्रेफर दैट। स्ट्रक्चर में अगर यू कैन पेन डाउन सम कनेक्टर्स, या फिर खुद से बात करके कि यहाँ पे इनिशियली लगाना है, देन सब्सिक्वेंटली लगाना है, देन आफ्टर दैट, दैट इज़ फाइन, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट एंटायर लाइन्स यू शुड नेवर मेमोराइज। उनको पता होता है मेमोराइजेशन के पॉइंट्स कट होते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इन अ इफेक्टिव मैनर, यू कैन ज्वाइन अर ऑनलाइन क्लास, दिस इज़ आर नंबर। ओके मैम, टुडेज़ टॉपिक लेट मी नो। येस अभितेज यादव, सो टुडे आई एम गोइंग टू डू मैच द हेडिंग्स। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, मैम मैच द हेडिंग्स करवा दो, हमें बहुत टाइम लगता है। आज मैं इतने इफेक्टिव मैनर से कराऊंगी, और गाइज अपने पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? दिस विल बी कम्प्लीट पार्टिसिपेशन। आई विल टेल यू हाउ यू गाइज विल पार्टिसिपेट, फिर उससे यू विल कम टू नो। ओके थ्रो बैक कम्प्लीटली चेंज माई रीडिंग्स टच टू 7 बैंड जस्ट बिकॉज ऑफ आई मेड ईजी एंड योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच, इट फील्स गुड। सो गाइज, देर इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं नहीं कहती हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करो, आपको एक्सपेंसिव भी लग सकती है गाइज, बट आपने पहले ये ज़रूर ध्यान में रखना कि 15,000 आईएलटीएस को दिए हुए हैं, आईएलटीएस के एग्ज़ाम के लिए दिए हैं। अगर उसके लिए यू इन्वेस्ट समवेयर फॉर योर प्रेपरेशन और आपका एक ही गो में हो जाए, उससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं होती, राइट? यू फील रियली इलेटेड, और आपका टाइम, मनी, एफर्ट सब कुछ सेव होता है। सो गाइज, थोड़ी सी इन्वेस्ट करा ही हुआ है, थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके अच्छी जगह से अपनी करेक्शन ज़रूर करवानी चाहिए। आई नो मोस्ट ऑफ यू माइट बी गोइंग टू दी ऑफलाइन क्लासेस। मैं नहीं कहती सबका लेवल पता नहीं कैसा है, बट आई डेफिनेटली नो सम आर नॉट इवन नोइंग कि कैसे पैरामीटर्स में चेक होता है। सो मेक श्योर कि आप एक्सपर्ट्स जिनके 777-8 जो अच्छे स्कोर्स आए हुए हैं, उनसे अपनी एक बार इवैल्यूएशन करवाओ। एंड आईएलटीएस मेड ईजी की रिक्रूटमेंट जो स्टाफ की है, दे हैव द बैंड्स मोर देन 7 इन ऑल देयर क्राइटीरियाज। सो हमें पता है आपको कैसे आपका स्कोर लेकर आना है, तो यू कैन डेफिनेटली प्रेफर ज्वाइनिंग आर ऑनलाइन क्लास समडे। ओके ओके ऑल्सो आई हैड 6.5 इन राइटिंग एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, दैट्स वाई आई अप्लाई फॉर EOR एंड इट्स इंक्रीज टू 0.9 दिस मॉड्यूल। दैट्स रियली गुड, येस दैट्स रियली गुड। डिड यू फॉलो पिक्स मेथड एंड बैंड्स विद यू भार्गव? हेलो मैम, हाय गगनदीप मैम, मुझे रीडिंग समझ नहीं आती। समझ आएगी बच्चे, अगर खुद ही दिमाग में सोच लिया ना, नहीं आएगा तो कभी भी नहीं आएगा। ओके हेवन सिंह आज गुस्से में देख रहा है, क्या कह रहे हो बच्चे, मैं मिस कर दिया आपका मैसेज। समरी फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी मैं करवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है? आई विल स्पेशली टेक इट, डोंट वरी। ओके मैच द हेडिंग्स करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हैप्पी इवनिंग मैम जी, थैंक यू सो मच जी। प्रॉब्लम इन ट्रू फॉल्स, वेल गगनदीप, मैंने कल ही इसका सेशन लिया था, यू कैन रेफर टू द वीडियो रिकॉर्डेड वंस, ठीक है? कल ही आई टुक द सेशन फॉर द सेम, ये रहा 23 आवर्स अगो। ओके सो यू कैन डू स्पीकिंग पंजाबी टच बहुत आता मैम, एंड प्रोनंसिएशन प्लीज सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है यू ट्राई टू कॉपी द एक्सेंट ऑफ अ नेटिव। पहले अपनी ग्रामर इम्प्रूव करो, और यहाँ पर यूट्यूब पे बहुत सारे आपको डेमोज भी मिल जाएंगे, ठीक है? और आयल स्पीकिंग का उसको प्रिपेयर करो, ट्राई स्पीकिंग, यू हैव टू फेक दैट एक्सेंट, ठीक है? एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, पंजाबी एक्सेंट तो मेरा भी आता है थोड़ा बहुत, सो इट्स नेचुरल। वी कैन नॉट बी लाइक दोज नेटिव पीपल, दे स्पीक टू फास्ट, दे हैव द कम्प्लीट एक्सेंट, दैट्स समथिंग दैट कम्स विद प्रैक्टिस, ठीक है? और आप जिदा की पंजाबी बोलते हैं, मैनू नहीं लगता बॉम्बे वाले उदा बोल सकते हैं। आमिर खान देख लो मूवी में, मेरे को तो लगा ही नहीं इसको पंजाबी आ रही है बोलनी। सो इट्स लाइक ये आती है विद प्रैक्टिस, ठीक है? वी कैन नॉट बी सेम लाइक देम, ठीक है? कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, कैन आई फिल एग्जाम इन लेस? यस सिमरन मल्ली, आप एब्सोल्युटली अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो, देर इज़ नो हेजिटेशन, यू कैन रेफर टू दीज वीडियोज, आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर खुद से प्रिपेयर करो। बट अगर आपको लगे कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ के भी मुझसे हो नहीं रहा मैम, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ओके मैम, आई एम डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, होगी। आज मेरे साथ एक सेशन लगाओ, यू विल डेफिनेटली, अंडरस्टैंडिंग पे ही है।
ठीक है। सो क्या था उसकी मूवी जो अभी आई है, लाल सिंह चड्ढा, भाई वो पंजाबी बोल रहा है। आई वॉज लाइक वॉट, वाई आर यू फेकिंग द एक्सेंट? सो इट्स लाइक दैट ओनली। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੀਡਿੰਗ ਚੋਂ ਮੈਮ ਜੀ। ਓਕੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਸਪੀਕ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ ਆਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਟੂਡੇ ਐਵਰੀ ਵਨ ਵਿਲ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਥਡ ਬਤਾਤੀ ਹੂੰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਇਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਮੇ ਕਰੇਂਗੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਆਰ ਕੇ ਐਲ ਐ ਮੈਥਡ ਗਾਈਜ਼, ਯੂ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, कैन आई इम्प्रूव रीडिंग इन 10 डेज? वेल अर्शजोत मांगत, अगर आपको अपना इवेल्यूएशन करवानी है, आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ऐसे में आपसे बात करके आई कैनॉट जज। एवरी पर्सन हैज़ सम अमाउंट ऑफ लेवल, वो लेवल जज करा जाता है थ्रू दी ऑनलाइन क्लास। मैं आपसे पर्सनली बात करूँगी तो ही मुझे पता लगेगा आपका लेवल, देन ओनली आई कैन सजेस्ट कि आप इतने में कर सकते हो। ओके, येस मैम, ऑल्सो यूज 30 मिनट्स सोनम मैम वीडियो एंड टास्क 1 कम्प्लीटेड, 15 मिनट्स एंड टास्क 2, दैट्स गुड। वॉट मैम, टास्क 2 ने मुझे आइडियाज़ आ जाते हैं पर सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, लिख नहीं पाता अच्छे से, तो क्या मैं टेम्पलेट की हेल्प ले सकता हूँ? ओके पीयूष, अगर आपको लगता है तो यू कैन डेफिनेटली टेक द हेल्प ऑफ टेम्पलेट, बट अंधे की तरह टेम्पलेट यूज़ नहीं करना, कि अगर उसकी पूरी मतलब बनता है तब यूज़ करो। क्या होता है, स्टूडेंट पूरा छेप देते हो, वो उनको पता होते हैं टेम्पलेट्स, दे रियली नो दिस थिंग। ओके, आइल्स के लिए ग्रामर कौन कौन सी ज़रूरी है? एंटायर ग्रामर बच्चे। आर के एल एम मेथड के बारे में बताना प्लीज़। ओके गाइस, प्लीज़ लेट हर नो सिमरन मल्ली को आर के एल एम मेथड क्या है, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। मैम आई एम न्यू, हाउ कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन? इशप्रीत सिंह, इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन, वॉट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले अपने आप को इवेल्युएट करो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द कैम्ब्रिज बुक्स, एल्स वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन रेफर टू आर यूट्यूब वीडियोज़। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स करो, एंड अगर आपको लगे कि आप कोई भी मॉड्यूल में वीक जा रहे हो तो यू कैन ज्वाइन आर ऑनलाइन क्लास फॉर द सेम। ठीक है, अगर कॉम्प्रिहेंसिव ज्वाइन करनी है, इंडिविजुअल फोकस, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। ओके, येस एब्सोल्यूटली अर्शजोत मांगट, अगर आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है कैम्ब्रिज के, दैट्स मोर देन इनफ। इफ़ यू फील यू नीड मोर ऑफ द प्रिपरेशन, तो आप और कोई सोर्सेज भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग इज समथिंग, मैं तो कहती हूँ रीडिंग के लिए सिर्फ कैम्ब्रिज की बुक्स क्यों, रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई जर्नल पढ़ो, कोई ब्लॉग पढ़ो, इट विल डेफिनेटली ब्रॉडन योर होराइजन। ठीक है, अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। आज तो बहुत ही बड़ी डिस्कशन चली गई। ठीक है, सो गाइज क्या है, ए टू एच है, 6 सेक्शंस हैं। आर के एल एम मेथड हमने फॉलो करना है, दैट इज रीड, कीवर्ड, लोकेट एंड मैच सिमरन। ओके, लेट्स स्टार्ट। कहता क्या है, सबसे पहले 14th to 20th क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, उनके कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे। रिमेंबर, इनके आंसर्स डेफिनेटली सीक्वेंस में नहीं होंगे, ये आपको फनी लगेगा मैम ऐसे क्यों बोल रही है, बट मैं फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए बोल दूँ। ऑब्वियसली आप कहोगे हाँ इसके आंसर सीक्वेंस में नहीं होते, और इसके लिए यू डेफिनेटली नीड टू रीड दी एंटायर पैराग्राफ, मतलब स्कैनिंग करनी पड़ती है ताकि आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। यू कैन नॉट डू ऊपर ऊपर से पढ़ के ये वाला। ओके, रमनदीप क्या था आपका बच्चे? अच्छा मैम प्लीज़ कोई सोल्यूशन दो मुझे, लोकेशन मिल जाती बट करेक्ट आंसर नहीं मिलता, प्लीज़ टेल मी, बट आई कॉन्ट जॉय योर ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, प्लीज़ रिप्लाई मैम। ओके, हाय रमनदीप, अगर आपको लोकेशन मिल जाती है, ट्राई यूज़ करो ट्रिक की एंड, ठीक है, एंड वाला मेथड की एंड के साथ क्या है, इमीडिएट बाद क्या है, उसके साथ वाला ही मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा, जो ऊपर वाली लाइन वाला नहीं होगा, रादर जो उसके साथ ज्वाइनिंग है। और क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा गेस वर्क करा करो, स्मार्ट वर्क, कि ये आंसर इसमें फिट हो रहा है, ये हो रहा है कि ये हो रहा है, अगर दो में आप डाउटफुल होते हो, दैट इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव। ठीक है, आई सेड हेलो मेनी टाइम्स, हेलो बलजीत कौर, आई एम सॉरी मिस्ड, मेरा कुछ कुछ हो जाते हैं गाइस मिस, बट अब मेरे को सेशन स्टार्ट करना है प्लीज़। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ रेंज ऑफ पोटेंशियल एनवायरमेंटल एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ एग्जाम्पल्स एनवायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ ऑयल पाम ट्री ऑयल कल्टिवेशन। नेक्स्ट 15 का कीवर्ड क्या है, राइट इन द कमेंट सेक्शन गाइस। आई एम वेटिंग, आज मुझे सबकी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। ओके,
वॉट आई नीड इज एक्टिव पार्टिसिपेशन. वो समझ गई है रमन दी, बिकॉज वो मेरी कंटिन्यूस स्टूडेंट थी. क्या होता है कि आपको दिया होता है आई एम गुड इन इंग्लिश एंड पंजाबी. आई एम गुड इन इंग्लिश एज वेल एज आई लाइक टू स्टडी पंजाबी. पंजाबी आपका दिया होता है फिल इन द ब्लैंक्स में, आपको एंड से पहले वाला देखना तो आपको मिल जाएगा आंसर क्या है. ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यस. डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है जो कंट्रोल करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. एग्जाम्पल्स ऑफ वाइड स्प्रेड ग्लोबल यूज ऑफ पाम ऑयल. ओके, नेक्स्ट. रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज विच कुड बेनिफिट द इकोसिस्टम. पर्टिकुलर स्पीशीज बेनिफिट. अब मैं इसका आज एक बहुत अच्छा मेथड बताऊंगी आपको. ठीक है, फॉलो करते जाओ. नेक्स्ट 18 का बताओ गाइस, व्हाट इज द कीवर्ड. एक्सपेंशन एनसी, यस गगनदीप, बिल्कुल. 19 का कीवर्ड क्या है. इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ नॉट फॉर नॉट अपोजिंग. ठीक है, मतलब कुछ इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन होगा जो कहता है कि पाम ऑयल इंडस्ट्री अच्छी है. फिर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएचर्स बैडली अफेक्टेड बाई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑयल. अब इन क्वेश्चन को पढ़ के ना, मैंने इसको नियर अबाउट 3 मिनट्स में सारा अटेम्प्ट कर लिया था. ठीक है, अब मैं आपको तरीका बताती हूँ क्या है. बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे लगा, मैं इतने करवा चुकी हूँ तो मुझे पता चल गया था कैसे आंसर ढूंढना. आई एम गोइंग टू टेल यू वन सिंगल टिप्स. पहले तो ये फिगर्स वाला देखो, फिगर्स इलस्ट्रेटिंग. फिगर्स में क्या होएगा, वो ना कोई डेटा दे रखा होएगा, इतना ज़्यादा है, इतना कम हुआ, या इतना फैल गया है. ठीक है, समझ गए, थम्स अप दो गाइस अगर 18 का मतलब अच्छे से समझ गए. दैट ओनली आई एम टेलिंग रमनदीप मैं क्या तरीका लगाती हूँ. ठीक है, सिद्धू जशन ने तो मुझे नीचे कर दिया, उसको समझ नहीं आया. सिद्धू आपने सच्ची में ये बात समझ नहीं आई आपको. यस समझ गए, फिगर्स से क्या होगा, नंबर्स में बात होती है. ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत बारी कर चुकी तो मुझे पता है. आगे एग्जांपल्स ऑफ क्रिएचर्स. ठीक है, जो सिमरन मल्ली समझो, फिगर्स होते हैं नंबर्स जो बताएंगे कि इतना एक्सपैंड हो गया. ठीक है, फिगर्स से हमें हिंट मिलता है बहुत बार. ठीक है, नेक्स्ट 20th देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएचर्स जो बैडली इफेक्ट हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट. तो कुछ क्रिएचर्स लिखा ना, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएचर्स, तो मतलब वो कोई जानवरों के नाम होंगे इसमें. ठीक है, गॉट इट गाइस. इसके लिए भी थम्स अप डाल दो, 20th भी अगर समझ आ गया तो. क्योंकि आज गाइस आप मुझे करवाने वाले हो और बहुत इजीली होगा, जो मैं टिप्स दे रही हूँ समझते जाओ. ठीक है, ओके, ये बेस्ट टिप है फॉर योर मैच द हेडिंग्स क्वेश्चंस. ठीक है, दैट्स रियली गुड रमनदीप, दैट्स रियली गुड. ओके नेक्स्ट, अब आ जाओ, ये है एग्जांपल्स इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस. मतलब कुछ उन्होंने क्या दिया होगा, कुछ ऐसी एग्जांपल्स दे दी होंगी
जो कि बताएंगी कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इन्वायरमेंट की, कुछ कम कर रहा है, कुछ इन्वायरमेंट को बेनिफिट दे रहा है। तो कुछ इन्वायरमेंट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको वो हेल्प कर रहा है। गॉट इट, समझ आ गई बात? यस। आगे ये जो अर्ष ज्योत मंगत मैं बता रही हूँ ना बच्चे, ये बहुत यूज़फुल टिप्स हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। नाम होगा कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात है, यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में बात है, यहाँ पे किस तरह से इनके यूज़ हो रहे हैं, पाम ऑयल किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या है कि जो बेनिफिट कर रहे हैं इकोसिस्टम, ठीक है, जो बेनिफिट हो रहे हैं इकोसिस्टम, जो जो स्पीशीज को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर क्या है जो बैडली अफेक्ट हो रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, बट नाम होंगे कुछ एनिमल्स के, ठीक है। गॉट इट नाउ एवरीवन? इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे वो कि इकोनॉमिकली बेनिफिट कर रहे हैं, मतलब उसका फ़ायदा हो रहा है, जिसके कारण हमें इसको अपोज नहीं करना चाहिए, ठीक है अर्ष कौर? यस। अब आप सबको समझ आ गया है। आई विल बी गिविंग 1 मिनट, इसको पढ़ो, ठीक है, एंड यू विल डेफिनेटली नो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, 1 मिनट फॉर दिस। इसको रीड आउट करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, ओके। हाई हैप्पी गर्ल, वेलकम। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ, प्लीज कीप डूइंग गाइज। अब गाइज इसका आंसर बताओ क्या है मैम? शो ऑप्शंस। यस, ये रहे ऑप्शंस। कर लिया आंसर? जग्गा सिंह, बलजीत कौर, रमनदीप कौर। एब्सोल्युटली आंसर इसका 16th है, ओके। सो इसका आंसर कैसे आया, लेट मी टेल यू इन ब्रीफ। क्या कह रहा है, किस तरह के फ़ायदे हैं बिस्किट्स बनाने में, लंच के लिए, ठीक है, सोप बनाने के लिए, ठीक है। वी वॉश बिस्किट्स वी स्नैक ड्यूरिंग, वाई इज पाम आवर सो, क्योंकि इनमें यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडियल इंग्रेडिएंट है पैकेज फूड्स के लिए, सुपरमार्केट के लिए एंड दिस वे, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ
ए, 16th का आंसर है ए, गॉट इट। Got it? Yes. And for the next question, now again I'll be giving you few minutes, guys. इसको आपने करना है. मैं काफ़ी justification दे चुकी हूँ. You'll be able to do in no time. B को read out करो and let me know its answer. And hint है, यहाँ पर उन्होंने कुछ figures दे रखी हैं. ये figures हैं आपकी. ये फिगर्स है राधर, 6 to 17 million हेक्टेयर्स, अब इतना है, अब इतना है. सो व्हाट विल बी द आंसर? दीज आर द ऑप्शंस एंड दिस इज द क्वेश्चन. ये तो गाइस आप सबको विदाउट टेकिंग टाइम करना चाहिए. फिगर्स हैं, यस यस एब्सोल्युटली. तो ये यहाँ पे तो टाइम बच सकता है ना, जब ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बाय चांस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. ओके, तो इसका आंसर मैं डाल देती हूँ बी. गॉट इट? वॉज दिस यूजफुल? सिमरन मल्ली, मैं बताती हूँ बच्चे, घबराओ मत. मैंने फिगर्स क्या बताया, फिगर्स होती है नंबर्स इंग्लिश में, ठीक है. इसमें बताया गया है कि पहले 6 to 17 million हेक्टेयर्स हो गया, अब 60 million हेक्टेयर्स हो रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल हो रहा है. सो दिस इज़ कि क्या एक्सपेंशन होने के चांसेस है. फिगर्स इलस्ट्रेटिंग द एक्सपेंशन. सो द आंसर इज 18. गॉट इट? अब आ जाओ गाइस सी क्वेश्चन पे. दिस विल टेक अ फ्यू टाइम मिनट्स ऑफ योर्स, बट इसमें आपको आराम से मिलेगा आंसर. सो प्लीज़ डू इट. यस, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम. सब पढ़ो इसको, फिर मैं बताऊंगी कहाँ लोकेशन है, ठीक है. क्रिएचर वाले दो आंसर थे, ऑनलाइन स्कूल. अब आई एम गोइंग टू टेल यू, ये हैं आपके पास क्वेश्चंस. इनमें दो क्रिएचर्स वाले आंसर थे, एग्जांपल्स ऑफ बैडली अफेक्टेड एंड एग्जांपल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज जो बेनिफिट कर सकते हैं इकोसिस्टम से, ठीक है. अब यहाँ देखो, बेनिफिट वाले हैं या बैडली अफेक्टेड वाले हैं सी में. ये रहा 16th का आंसर पूछ रहे हो, आई विल टेल यू. 16th इज एग्जाम्पल्स ऑफ, ये देखो क्या लिखा है. एग्जाम्पल्स क्या हैं, तुम कहीं भी जाओ, वो कहती करंटली मोस्ट कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल है. ये हमारे सोप में है, हमारे सैंडविच में है, हमारे लंच में है, हमारे बिस्किट्स में है, ये हर एक पैकेज्ड फूड में है, इसमें प्रिजर्वेशन है, ये इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है. यस, सफर्ड है. यस बिल्कुल, सो बैडली अफेक्टेड हैं. सो व्हाट विल बी द आंसर? सी का 20th. कैसे? जिनको नहीं समझ आया, आई विल टेल यू व्हाई. कंजर्वेशनिस्ट कहते, बहुत सारी स्टोरीज हैं, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और डिविंडलिंग, ये हो गया. बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, सच एज सुमात्रन ओरंगउटन, राइनोस, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड न्यूमरस अदर फौना, ठीक है. ये भी क्या है, आई हैव सफर्ड फ्रॉम अनस्टॉपेबल स्प्रेड ऑफ ऑयल प्लांट प्लांटेशन, ठीक है गाइस, मिल गया. सो मैं आंसर पेन डाउन कर दूँ फाइनल. कितना मिनट लगे हैं, कितनी फास्ट फास्ट हो रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ मैं आपको. अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट. ओके, अब मेरे ही तरीके से अगली बारी करके देखना, देखना फटाफट होंगे आपके, ठीक है. जैसे मुझे 3 मिनट लगे हैं. यस मैम, लैंड क्लियरिंग से समझ आया. यस, लैंड क्लियरिंग, और यहाँ पे भी क्रिएचर्स के नाम है बच्चों,
एक हमें पता है क्रिएचर, एक तो फायदे हुए हैं एक को नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे जो नुकसान वाला है वो आएगा। ये सीधा दिख रहे हैं नाम हमें, फटाफट से यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से जब यहाँ पहुंचोगे, ठीक है? That's really really good, tech gamer. All the very best, best wishes. Keep practicing the today's session. आपको समझ आएगा. Okay. Before moving on to the next one, guys. अगर आप लोगों को कोई भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, या आप लोगों को इसी तरह की चीज़ चाहिए जो स्ट्रैटेजी सीखनी है, यू कैन जॉइन आर ऑनलाइन क्लास. यहाँ पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, ठीक है? ही लेट यू नो एवरी थिंग, ही इज़ एन एजुकेशनल काउंसलर. एल्स वॉट यू कैन डू इज़ आप हमारी YouTube पेज पे भी विजिट कर सकते हो, यू कैन सब्सक्राइब टू इट एंड सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं. ओके, एल्स क्या है, आप कॉल पे बात करना चाहते हो तो आप सुबह 9 से 6 बात कर सकते हो. मैम प्रोसेस चार्ट सेंटेंस फॉर्मेशन बता दो. प्रोसेस चार्ट के लिए क्या करना है, इन द इनिशियल स्टेज, इन द सबसिक्वेंट स्टेज, देन हाउएवर, द मोस्ट. और याद रखना कि प्रोसेस चार्ट में समरी मत लिखाना, ठीक है? 3 ही BPs आएंगे इनके. ओके टेक गेमर, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड. शक्तिमान, सबने बन जाना शक्तिमान इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज, अब इसका आंसर बताओ गाइस क्या होगा. ये हल्का सा कम्प्लेक्स है. अब हम लोग ढूंढो इसकी कोई बात करी है इसमें. इन्वायरमेंटल एडवांटेज नहीं बोला, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कंट्रोल करने का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला. फिर उसके बाद अब तक हमें जो मिल चुका है 16th, उसको कट लगाओ. 18th यू हैव गॉट, उसको कट लगाओ, ठीक है? पर्टिकुलर स्पीशीज बेनिफिट वो भी नहीं है. फिर बताओ कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, वो भी नहीं. बैडली अफेक्टेड भी हो चुका है. सो द आंसर डी आपको दिख रहा है, कोई दिख रहा है डी का, किसी का भी आंसर दिख रहा है? मुझे तो नहीं मिला था और मुझे एक ही मिनट में पता चल गया था कि यार नहीं है. नहीं तो अगर कंफ्यूजन हो ना तो यहाँ पे फटाफट डी लिख दो, किसका भी मुझे ढूंढना है, ठीक है? ओके, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, फटाफट नेक्स्ट पे जाना है, उसके बाद एंड के लिए छोड़ देना डी को, ठीक है? अर्शोत, ये सबसे इजी वे है, इससे शॉर्टकट कोई नहीं होगा. आप डी अगर नहीं मिला इसको, डी को ऐसे डाल दिया, मैं तो ऐसे करती थी, ठीक है? एंड ये आजमाया हुआ फैक्ट है, ठीक है? और आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो किसी से मैच ही नहीं हो रहा, जब सारे ही मैच हो गए तो क्या करोगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट. अब है वन रिप ई क्वेश्चन, रीड आउट करो. इसका आंसर आप लोगों ने बताना है, बहुत इजीली पता चलेगा. वन रिस्पॉन्स टू बॉयकॉट मूवमेंट हैज़ बीन आर्ग्यूमेंट फॉर द वाइटल रोल प्ले इन लिफ्टिंग मैनी पीपल, बहुत लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, उनको पॉवर्टी से बचाता है. Is it desirable to have palm oil boycotted, replaced, eliminated from the global supply chain, given how many low income people in developing countries depend on it for their livelihoods? How best is to strike an utilitarian balance between these competing factors? कहता हम कैसे सोच भी सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए, जिसके अगेंस्ट बोलने के लिए. ये बहुत लोगों को पॉवर्टी से दूर करता है, ठीक है? इट्स लिफ्टिंग मैनी मिलियंस ऑफ पीपल, इट्स एलिमिनेटिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन, लो इनकम ग्रुप, सो इट्स डेफिनेटली समथिंग ऑन विच मैनी पीपल डिपेंड्स ऑन. सो गाइज, वॉट विल बी द आंसर?
यस एब्सोल्युटली इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है, क्या आप पैसे के बारे में कुछ बात की है कि इस पे लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो आंसर इसका क्या है, इसको हम अपोज करने का सोच ही नहीं सकते, इस पे बहुत लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड करता है। सो 19th का आंसर इज ई। ओके गाइस, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफ बिल्कुल समझ आया, आज इंटरेस्टिंग लगा मैच का। हेडिंग्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी हो तो। ओके, कहते हैं इवन द डिफॉरेस्टेशन आर्ग्यूमेंट इजंट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट सीम्स। ऑयल पाम प्लांटेशंस प्रोड्यूस एटलीस्ट 4 एंड पोटेंशियली अप टू 10 टाइम्स मोर ऑयल, ये बेनिफिट है विच इज़ प्रीडोमिनेंटली सो प्रॉफिटेबल। इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, इफ 10 टाइम्स मोर पाम ऑयल कैन बी प्रोड्यूस्ड देन 10 मोर टाइम्स मोर लैंड वुड बी नीड टू बी क्लियर सेम वॉल्यूम ऑफ ऑयल के लिए। एज पर द क्वेश्चन ऑफ कार्बन इमिशंस द इश्यू रियली डिपेंड्स ऑन वॉट ऑल ऑयल पाम ट्रीज आर रिप्लेसिंग। क्रॉप्स वेरी इन द डिग्री इन विच कार्बन हो गया, ठीक है। पाम ऑयल प्रोडक्शन एक्चुअली स्क्वेस्टर्स मोर कार्बन इन सम वेज। अब मेरे को स्क्वेस्टर सपोज वर्ड है, ठीक है। मुझे स्विमिंग, अरे स्विमिंग क्या हो गया, स्विमिंग हु इज आस्किंग स्विमिंग क्या है, अर्शोत आपको पता है ना, वाई आर यू आस्किंग सच अ क्वेश्चन, ठीक है। बट वॉट्स हैपनिंग इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इट्स अलाउड टू गेट आउट ऑफ हैंड बट इफ इट्स रिप्लेसिंग राइस फॉर एग्जाम्पल इट माइट एक्चुअली स्क्वेस्टर मोर कार्बन। सो नोट डाउन द मीनिंग ऑफ स्क्वेस्टर गाइज। आइसोलेट और हाइडवे, तो ये कुछ हद तक इन्वायरमेंटल, मुझे लग रहा है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स दे रहा है। सो क्या लगता है, स्पीशीज की बात नहीं है तो 17 तो नहीं है। रेंज ऑफ पोटेंशियल इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस, तो मुझे तो फिलहाल इसका आंसर 14 लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। यस आंसर इसका 14 ही है, ठीक है, क्योंकि ये सिक्वेस्टर मतलब कार्बन को कम कर देता है, ठीक है। वैसे भी इन्होंने इकोलॉजिकल इफ बेनिफिट बताया है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है इकोलॉजिकली। इकोलॉजिकली मतलब इकोलॉजिकल, नोट डाउन कर लो बच्चे, मीनिंग क्या है, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ठीक है। बाकी के दो आई विल बी डूइंग टुमारो, ठीक है। वैसे तो आपको काफ़ी हद तक पता चल गए हैं। सो विल बी एक का आंसर ई हो, एक का आंसर जी होगा, एक का आंसर एच होगा, बट आई विल बी डिस्कसिंग टुमारो, ठीक है। ओके गाइस, अगर अब आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन से फॉर दैट यू कैन डेफिनेटली से इडियम आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद समवन, आई रियली लव दैट पर्सन फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट, सो आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन। ओके, सो अगर मुझे पूरा डायरेक्ट नहीं पता होता इडियम, सो आई विल डेफिनेटली यूज सम अदर मेथड, ठीक है। राइटिंग डेफिनेटली गुनीत खुराना, दैट्स इन द पाइपलाइन। अभी के लिए हमारा मेन फोकस था रीडिंग पे, एंड ऑलरेडी बुक नंबर 14, 16 डन है एंड 17 का ये लास्ट चल रहा है। ओके, मैं एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के ही पैसे जाएंगे जैसे भी टफ, वेल इट टोटली डिपेंड्स, इसी टाइप का लेवल आएगा। लाइक टेस्ट 1 थोड़ा सा इजी होता है, टेस्ट 2 अ बिट टफ एंड टेस्ट 3 ज़्यादा टफ होता है। सो लेवल कुछ इस तरह से रहेगा,
सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बट अलग सा हो सकता है. ठीक है मैम, हैच मैच हेडिंग करवा देना. अरे यार बलजीत कौर, मैं अभी मैच हेडिंग ही करवा रही थी जी. आई वॉज डूइंग द सेम मैम. एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के ही पैसे जाएंगे, इससे टफ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेवल भी हो सकता है, इससे ईजी भी आ सकता है. सो डोंट वरी. नो मैम, आई हैव अ डाउट अबाउट एनी मॉड्यूल्स. आई हैव नो, दैट्स एब्सोल्युटली गुड. ऑफिस घर आने तक आपका क्लास ही ख़त्म हो जाता है. सो प्रीतम महाजन, इफ़ यू वॉन्ट टू रेफर टू आर वीडियोज़, तो आप बच्चे यह वाला हमारा वीडियो सेक्शन पर जा सकते हो. रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं सारे. ठीक है, यू कैन डेफिनेटली रेफर टू इट. ओके, प्लस अगर आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी है आफ्टर, लाइक यू कम आफ्टर योर ऑफिस, यू कैन ज्वाइन आर ऑनलाइन क्लासेस. ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी. मैम टेलीग्राम पे मटेरियल नहीं आ रहा. आई विल आस्क मैम, शी विल अपलोड इट. ओके, सो आई होप टुडे सेशन वॉज यूजफुल. आई एम टेकिंग द लीव नाउ. गुड नाइट एवरी वन, हैव अ हैप्पी फेस्टिव सीजन, इन्जॉय टू द फुलेस्ट. बाय बाय.